मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के चलते एनडीए और इंडिया दोनों ने ही जोरों शोरों से तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव कल से मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। सपा मध्य प्रदेश और राजस्थान में इंडिया गठबंधन के तहत सीटें मांग रही है। इसी के चलते अखिलेश यादव 27 व 28 सितंबर को मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर रहेंगे। अखिलेश यादव और रीवा के सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगे। खजुराहो में भी कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारियां की जा रही हैं। सपा का उद्देश्य विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले अपनी स्थिति को मजबूत करना है और साथ ही इंडिया गठबंधन के तहत सीट लेने का दबाव भी बनाया जाएगा। वहीं अगर बात करें बीजेपी की तो पार्टी ने 39 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भी विधानसभा चुनाव का टिकट दिया गया है। इन 39 उम्मीदवारों में कई सांसद भी शामिल हैं। वहीं 3 केंद्रीय मंत्रियों को भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। भाजपा को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरने का दावा कर रही है। आपको बता दें पिछले दिनों अखिलेश यादव का बयान इस समय खासी चर्चा में है। उन्होंने कहा है कि हम यूपी में सहयोगी दलों को सीट देंगे, वहीं अन्य राज्यों में सहयोगी दलों से सीट लेंगे। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवार उतारेंगे। आने वाले समय में राजनीति में उछल कूद काफी दिलचस्प होगी। देश में विधानसभा चुनाव का दौर शुरू होने वाला है। इसको लेकर तमाम दल अपनी तैयारियों को पूरा करने में जुट गई हैं। भाजपा को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरने का दावा कर रही है, लेकिन कई दलों की महत्वाकांक्षा इसमें बाधक हो सकती है। डिजिटल डेस्क, भारत समाचार।